की गोली मरवा दी, कोई उन्हें गोली लग गई, हाथ पर लगी उन्हें गोली लग गई। इसमें बहुत ही बड़ा जो है बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, बीजेपी एमएलए का हाथ है इसमें। राजनीतिक जो दल है वो डरे हुए हैं क्या चंद्रशेखर आजाद से? यस यही तो है, क्यों सब सब इसके साथ है, जाट गुज्जर यादव चमार जाटो सब इसके साथ है, नहीं तो डरे हुए हैं। क्यों सरकार बन जाएगी, जो नियम बदल ले सरकार को चेंज कर देंगे हम, उकार फेंकेंगे 2024 में। वो मानव चंद्रशेखर आजाद भाई को हम प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहिए 2024 में। अगर चंद्रशेखर भाई भी ना हमारी आवाज उठाए, हमारी आवाज उठाएगा कौन? हम खामखा हिंदू हैं, किस बात के हिंदू हैं हम? मैं हिंदू नहीं, आप क्यों, किस बात के लिए हिंदू है हमें बताओ तो, हम हिंदू कैसे हैं? जो कंगना रनावत है कौन है वो? बॉलीवुड की नचनिया है ना, कोई भगवान तो नहीं है ना, उसको जेट स्कूटी क्यों दी थी? तो यही चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी की थी इसलिए उसको जेट स्कूटी मिली। चंद्रशेखर भाई तो अच्छे नागरिक हैं, अच्छे समाज सुधारक हैं, देश का भला चाहते हैं, तो इनको जेट स्कूटी क्यों नहीं मिल रही, उसको क्यों मिली? बाबा बनेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ घंटी बजाएंगे ना, तो घंटी बजाने से भला होगा भाई किसी का? नहीं होगा ना, तो भला होगा पढ़ने लिखने से, शिक्षित बनने से। तो बागेश्वर धाम क्या कर रहा है अभी? बागेश्वर धाम ये बोल रहा है, बोलता अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था मुझे पता है। भाई अगर पता था बताया क्यों नहीं? अगर हम 85% हिस्सेदार यहाँ के लोग हैं तो हमारी बात अव्वल दर्जे में मानी जानी चाहिए। देखो ये भाई और आए हैं, हम बेटे साथ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने किंग लिखवा रखा है और ये दिनकर साहब हैं, और उधर बाज की फोटो लगा रखी है, और बाज मैं समझता हूँ बाज भारत का नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा पक्षी है जो कौए को सर पर अपने ऊपर बैठा के उठ जाता है, और कौवा फिर चोंच मारते मारते नीचे गिर जाता है। शायद भाई वही संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम है भाई जी? दिनकर सहारनपुरिया। क्या करने आया यहाँ आज? हम चंद्रशेखर भाई के लिए न्याय के लिए आए यहाँ पे। तो मिल जाएगा न्याय? मिलेगा जी, और नहीं मिलेगा लेकर आवेंगे ऐसे आगे से। आगे सर नहीं सर जी, भारत के जो संविधान के पक्ष में लेकर रहेंगे हम संविधान के खिलाफ नहीं चले, क्योंकि आप तो ये तो जितना भी बहुजन है आजाद चंद्रशेखर जो है जो वो भी कह रहे हैं कि वो तो संविधान को मानते नहीं, संविधान को तोड़ रहे हैं, लगातार नियम बदल रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं संविधान के अनुसार ठीक हो जाएगा सर? उचित कहते हैं नियम बदल ली सर, जो नियम बदल लिया सरकार को चेंज कर देंगे हम, उकाट फेंकेंगे 2024 में। वो मानव चंद्रशेखर आजाद भाई को हम प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहिए 2024 में। इतना जल्दी एकदम? हाँ जल्दी एकदम, वो तो 2022 में थोड़ी चूक हुई, क्योंकि 2021 में और 2020 में और 21 में कोरोना टाइम चल रहा था और हमारी पार्टी थी नहीं, वो भर नहीं पाए तो चूक गया हम, और अब की बात 2024 में चंद्रशेखर। अब कितने विधायक हैं? विधायक तो हम चूक के बता दो, हमारी एक भी हमारा सीट नहीं मिली हमें, लेकिन जो भी 2023 में चुनाव हुए पार्षद के और नगर निगम के उसमें हमारी काफ़ी सीट निकली है और काफ़ी हमारे पार्षद बने हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर के लिए हम तनमन से साथ है, और पूरा बहुजन समाज और मैं के लनी यादव गुज्जर जाट जितने भी और मुस्लिम भाई भी सभी लोग चंद्र भाई के साथ है, क्योंकि चंद्र भाई आजाद एक ऐसे व्यक्ति है वो किसी जात नहीं देखते, किसी की बरादरी नहीं देखते, किसी धर्म नहीं देखते, वो सभी हमेशा के लिए रात दिन सेवा में लग रहे, और हम चंद्रशेखर आजाद भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे। मेरा ये संदेश है सभी भोजन लोगों से, मेरा संदेश है जितना भी हो सके चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करो और पूर्ण रूप से वोट करो, और 2024 में चंद्रशेखर भाई की सरकार बनाने काम करो। तो अभी तो ये जो गठबंधन है ये तो अभी तक ये भी तय नहीं कर पाया प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? हो जाएगा तय, थोड़ा टाइम लगेगा, गठबंधन हो रहा है, हो जाएगा तय, ये भी सब मिला करेंगे। और रही बात बैलकों ने मायावती की, वो तो मेरी अपनी है, तो मना लेंगे हम, हमें चाहे हाथ जोड़ने पड़ो पाप पकड़ने पड़ो, मेरी वो तो मेरी माँ है बहन है, हम तो सब मना लेंगे। तुम कह कोई मायावती जी तो इसलिए चुप बैठी क्योंकि ईडी और सीबीआई का शिकंजा है उनके ऊपर। क्या बहुजन समाज के ऊपर शिकंजा होता है उनका? मायावती को ही दबाया जाएगा, उससे जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं कितनी सारी नेता, कितने भी एमपी एमएलए और विधायक होंगे, उनसे उनको बोलता है कोई कि करप्ट होंगे या इन पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा होगा? केवल उसको बहुजन समझ के दबाया जाता है क्या? अगर मायावती को भी दबाया जाएगा और चंद्रशेखर को नहीं उभरने दिया जाएगा तो कहाँ पर संविधान लागू होता है? आप बताइए संविधान कहाँ लागू होता है? ये सरकार तो हम सबको करप्ट बता बता कर जेल में डालती रहेगी। चंद्रशेखर भाई के साथ ऐसा हुआ, लगातार 13 महीने उन्हें जेल में डाला गया, और कितनी बार उनको जेल में डाला गया, एक बार भी सिद्ध कर पाएगी वो किसी भी तरीके से गुनगार रहे चंद्रशेखर भाई? अगर चंद्रशेखर भाई भी ना हमारी आवाज़ उठाए, हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? हम खामखा हिंदू हैं, किस बात के हिंदू हैं हम? तो हिंदू नहीं आप, क्यों, किस बात के लिए हिंदू है हमें बताओ तो, हम हिंदू कैसे हैं? मूल निवासी हैं सर। सर एक मिनट भैया, सर हिंदू होने से कौन सा सुधार हो जाएगा देश में? अगर मान लो ठीक है, कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा जयमल बाजवा, पानीपत से। ठीक है, हरियाणा से आए हैं? हाँ हरियाणा से आया हूँ। आप ये बताओ सर, एक हिंदू राष्ट्र का जो रट्टा लगा रखा है इन्होंने बीजेपी वाले, क्या है सर ये? किसी में लिखा हुआ है सर ये हिंदू मुस्लिम शिक्षा, ये बताओ कौन है यहाँ पे? किसी में नहीं लिखा हुआ ना, तो ये हमारा मुद्दा है ही नहीं हिंदू राष्ट्र। हमारा जो मुद्दा है देश में शांति पर तरीके से अपना वो कार्य करें ना, हमारा ये जो एक वो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही, ये केवल आज घोषणा की आवश्यकता है। वो बाबा है तो उसके हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? सुनो बड़े भाई, जब वो बाबा है आर्टिकल 13
इन सभी को खंडित करता है। ये जो ये तुम्हारे बाबा का जिसने तुम्हें जिक्र किया, जिसका तुमने नाम लिया, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। वो अभी उसने एक बयान किया कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं भरा हुआ होगा तो वो खाली प्लाट होगा। हमारी बहन बेटी को वो ऐसे बोल लेगा। जब तुम भारत की नारियों का सम्मान करना ही नहीं जानते तो तुम बाबा किसने बना दिए गए? और बाबा कौन सा भगवान सुनता है तुम्हारी? कितने बच्चे आजकल वायरल हो रहे जो कह रहे कि ट्रेन में हादसा क्यों हुआ जब बागेश्वर को पता था। अन्यथा बहुत सारे ऐसे क्राइम भारत में होने लग रहे। और चंद्रशेखर ये बताते, चंद्रशेखर भाई को गोली कौन मार रहा है वो बाबा बताए ना, देखो वो बता दे जी। जो कंगना रनावत है कौन है वो? बॉलीवुड की नचनिया है ना, कोई भगवान तो नहीं है ना। उसको जेट स्कूटी क्यों दी थी? तो यही चाह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी की थी इसलिए उसको जेट स्कूटी मिली। चंद्रशेखर भाई तो अच्छे नागरिक हैं, अच्छे समाज सुधारक हैं, देश का भला चाहते हैं, तो इनको जेट स्कूटी क्यों नहीं मिल रही? उसको क्यों मिली? तो क्योंकि वो नाचने वाली बीजेपी की कार्यकर्ता, उसने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी बीजेपी की, तो उन्होंने सोचा इसको जेट स्कूटी दी जाए। मोहन भागवत का क्या पता देश में क्या करता है वो? देश में मोहन भागवत का क्या काम है? देश में कभी वो लड़ाई लड़ने गया बॉर्डर पे या किसी देश में कोई सुधार का काम किया? कुछ नहीं किया उसने। तो कहते हैं आरएसएस तो तैयार खड़ी है, हमें जब काम क्या है? क्या आज तक देखा कहीं रोड पे आरएसएस को किसी का भला करते हुए? अभी जो कहीं पे बाढ़ आई हरियाणा पंजाब में, कौन सी आरएसएस पहुंची? कौन पहुंचा वहां पे? ठीक है, आप ये चीज देखो, जब ये राष्ट्रवाद देश है और यहाँ पर संविधान चलता है, आरएसएस है क्या? क्या है आरएसएस और क्यों अपना पंजाबी क्या फर्क क्या है उसका? हमें तो बस ये चाहिए कि जब भारत में हमारे नागरिक भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद हैं, इन पे हमला हुआ है, तो हम तो सरकार उसी सरकार से मौजूदा सवाल करेंगे ना जो मौजूदा सरकार है। जैसे योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी से सवाल करना क्या गलत है क्या? अगर जो भी भारत में बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही घोषित करते हैं क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कल को यही घटना आपके साथ हो जाए तो आप भी वही बोलेंगे जो हम लोग बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम जो भारत में रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से समाज सुधारक हैं, तो उनके कम से कम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं जो हमलावर ऐसे ही पहुंच गया आराम से ही, कहीं ना कहीं साजिश है बीजेपी के कार्यकर्ता। हमें तो ये भी सुनने में आया कि बीजेपी का उसमें एक दो कार्यकर्ता मिला हुआ है, उसने साजिश रची, उसको पता था कि चंद्रशेखर आजाद जी इधर से गए हैं, आप यहाँ से उनका पीछा करो, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि उन मुजरिमों को सजा दी जाए, नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो पा रही? कल को किसी के साथ भी हो सकता है। हम तो ये बोलते नहीं कि चंद्रशेखर भाई के साथ, किसी के भी साथ हो, होना चाहिए। हमारा मुद्दा यही है, तो ये बोलते हैं कि बाबा जो हमारे देश में बाबा है, आप ये बताओ कि कहाँ पे बाबाओं का उपयोग हो रहा है? बाबा कहाँ पे काम हो रहा है? बाबा का कहीं पे कोई काम नहीं है। आप अगर शिक्षित हैं तो तभी आप मौलिक अधिकार ले सकते हैं, तभी आप पुलिस एसएचओ ये वकील डॉक्टर बन सकते हैं। बाबा बनेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ घंटी बजाएंगे ना, तो घंटी बजाने से भला होगा भाई किसी का? नहीं होगा ना। तो भला होगा पढ़ने लिखने से, शिक्षित बनने से। तो बागेश्वर धाम क्या कर रहा है अभी? बागेश्वर धाम ये बोल रहा है, बोलता अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था मुझे पता है। भाई अगर पता था बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? और जो ट्रेन हादसा हुआ था उसी के पास एक मंदिर भी था, तो वहाँ मंदिर में इतनी शक्ति होती तो ट्रेन हादसा को रोके जा सकता था ना। तो तीन ट्रेनें वहाँ पे भिड़ी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि कोई बचा। एक और वीडियो देखा मैंने, कोई व्यक्ति उनको हाथ लगा देता पैर को, कहते हैं तुम पीछे हट जाओ अछूत हो। क्या बोला उसने? ये बोला है उसने, ये वीडियो पूरी उसकी वायरल हुई है, ये बोला कि अरे मुझे छुओ मत, अछूत आदमी है। मतलब ये सब अछूत जब ऐसा दिमाग, किसको बोला गया होगा अछूत? वो हम सबको बोला गया जिनकी विचारधारा हमारी उनके खिलाफ है, जो पखंड के खिलाफ है उसको अछूत बोला गया है। पखंड के खिलाफ हम लोग जिनको शूद्र बोला गया और शूद्र वे मानते हैं, जिनको वे कहते हैं कि ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, जो पैरों से पैदा हुए उन्हीं को अछूत बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैदा होने वाला क्या सीन है? कुछ कहीं से पैदा हो रहे हैं? हमने तो अभी तक यही सुना है कहीं से सोशल मीडिया से कि ब्रह्मा के मुख से भी आदमी पैदा होते हुए कभी भाई आदमी कहाँ से पैदा होता है? सबको बताया ना। मेरी सर एक बात समझ में नहीं आती, ये पहले पैदा होते क्यों नहीं होते? अब क्यों नहीं होते? ये धीरेन्द्र शास्त्री जिस टाइम पाखंड बांध है ना, उसका फूट गया ना, भंडा फूट गया, उनने हिंदू धर्म का सहारा लिया ताकि मेरी जान बच जाए, फंस गया था जेल में जाता वो, इसलिए इंदुराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और इंदुराष्ट्र की मैं वाघा बॉर्डर पर गया था, वहाँ तरफ इंडिया तरफ भारत लिख रहा, वहाँ क्यों इंदुराष्ट्र लिख रहा, वहाँ क्यों हिंदुस्तान लिख रहा? ये भारत देश है और ये हम आदिवासियों का, हमारा मूल निवासियों का देश है ये, और भारत देश है, भारत देश ही रहेगा। जय भीम, जय भारत। तो भारत बनना चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र मतलब मींस कुछ बनता ही नहीं इनसे। तो हमें तो कहां से आए भाई? पानीपत से, हरियाणा। क्या लग रहा है आज क्या रहेगा? हाँ तो जो होगा भाई ने जो बोला सब होगा, जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो अगर जेड सपोर्ट वो कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने लोगों को साथ रख लूंगा। हम तो मरने के लिए तैयार हैं,
वो तो बोलेंगे ही, उनको पता है बीजेपी की सरकार है, उनको पता ये, उनको ये उम्मीद भी है कि बीजेपी सरकार हमारे साथ आने वाली है नहीं, उनको तो बोलना ही है। फिर हमें जेट सिक्योरिटी बननी पड़ेगी उनकी, फिर हमें उनका कार्य करना पड़ेगा ना, कम से कम हम उनके समर्थन में रहेंगे। आपने बोला था कि उसने भी किसी लड़के को ये बोला कि तू तो अछूत है, दूर हो जा, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे मत छुओ, तुम अछूत है। और फिर हिंदू कौन है? आपने भी क्वेश्चन किया था अभी कि तू अपने आप को हिंदू नहीं मानते क्या, यानी मुझे, जब वो मेरे जैसे मेरी कैटेगरीज के बच्चों को या बड़ों को अछूत मानता है, जो हमारे लिए आदर्शपूर्ण है, मेरे पापा या दादा बाबा जितनी उम्र के को भी वो अछूत बोलता है, तो वो हिंदू किसको मानता है और हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है वो? बागेश्वर धाम बाबा की आपको पता है, वो कान में ना ब्लूटूथ लगा के रखता है, जो भी कोई गेट से एंट्री करेगा उसका आधार कार्ड वहाँ पे जमा होता है, उस आधार कार्ड से वो पूरी डिटेल निकलवा लेते हैं, कौन कहाँ पे किस गांव में क्या है, तो पूरा डिटेल निकाल के वो उसका जो वहाँ पे गेट पे बैठा रहता है बंदा, वो बता देता है बाबा जी फलानी जगह से ये आदमी आया है, फिर वही आदमी वो कान में, हाँ जी यहाँ पे शंकर नाम का कोई आया है ये क्या फलाने गाँव से, तो हम लोग सोचते हैं तो चमत्कार हो गया भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, चमत्कार चमत्कार कुछ नहीं है, चंद्रगा तो है ही नहीं। अच्छा माइंड रीडर पढ़ने वाली स्वानी शाह का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, हाँ। तो माइंड रीडर वो क्या बोलती है, वो भी तो पढ़ी लिखी है, शिक्षित व्यक्ति है, तो वो क्या बोलती है कि मतलब ये जादू नहीं है, ये एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ लेकिन सिखाऊंगी नहीं, ठीक है। बागेश्वर धाम बाबा के पास जितने भी बाबा हैं ये उनके पास ट्रिक है, वो ट्रिक आप भी सीख लो, आपको भी लोग बोलेंगे ये तो बाबा आ गया होगी नया, तो ये सब बाबाओं की जो चाल है ये उनका धंधा है, तो गले क्यों ना हटा देते अपने वहाँ से, दान पेट इतनी बड़ी बड़ी लिखी है, इतना पैसा उनके पास जमा होता है, कहाँ जाता है वो, तो सब उनकी जेब में तो जा रहा है, जो उनकी जेब में जा रहा है वही उनका हिंदू राष्ट्र है। अरे 24 का बताइए, 24 में क्या होने वाला है? 24 में होने वाला है जो वो तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने से सारे कार्य पूर्ण होते हैं, ठीक है, अभी संघर्ष कर रहे हैं, 24 में क्या होगा वो तो समय बताएगा जी। सर एक बात ये है, जो हमें नहीं मतलब कि जिन्होंने गोले में गिरफ्तार कर लिए, हमें तो मतलब नहीं, मतलब ये है गोले लगवाए किन्ने, हमें ये मुद्दा चाहिए बस, गोले लगवाने वाला कौन है, गोले लगवाए किन्ने, हम इसलिए यहाँ जो है जनसैलाब लेकर आए, इसके सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोली मरवा दी, कोई उन्हें गोली लगी, आता पहले कि उन्हें गोली लगी, इसमें बहुत ही बड़ा जो है बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, बीजेपी MPMLO का हाथ है इसमें, और मैं समाज को टारगेट, राजनीतिक जो दल है वो डरे हुए हैं क्या चंद्रशेखर आजाद से? यस यही तो है, क्यों सब इसके साथ है, जाट गुज्जर यादव चमार जाटो सब इसके साथ है, नहीं तो डरे हुए हैं, क्यों सरकार बन जाएगी, इसलिए भाई पर हमला करवा रहे ताकि सरकार ना बनाए अपनी, और मनु कह रहा है तो भाई तुमने हमला करवा दिया, तुम जेल में है, अगली बार अगर नहीं कुछ हुआ ना हमला कर दिया घर में घुस का मारेंगे भाई, सच्चाई है यार। ये क्या कह रहे थे, क्या कह रहे, संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे, बिल्कुल वो तो संविधान तोड़ने की बात अभी भी करते हैं, हम नहीं बात ये कर रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं, मुंह पे धमकी दे रहे हैं, हाँ वो लोग बोले संविधान खत्म हो जाए आप लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग संविधान को मानते हैं तभी तो हम यहाँ हैं, अगर हम संविधान, देखिए ये भाई भी बाबा साहब की इन्होंने भी ये फोटो जो है अपने गले में टांग रखी है, और सबसे खुशी की बात यही है कि जब लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से जिसको पढ़ाई शुरू करनी है, जो इंटर कर चुके हैं बच्चे, उनको यहीं से पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, या गांधी को पढ़ना चाहिए, पटेल को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि भारत का एक ऐसा मात्र व्यक्ति है, महापुरुष है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, और आज भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मुझे इसके पीछे के कारण नहीं मालूम, नहीं नज़र आते, काफ़ी जानने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, अपने आप को स्थापित किया उस देश में जहाँ इनको शूद्र बोला गया हो, अछूत बोला गया हो, उस देश में आज भी इनका सम्मान हो रहा है। और मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, और यहाँ आपने देखा, आपने सुना, आपने इन युवाओं की आवाज़ को सुना, आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को भारत में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जुड़ी रेखा गाम गुआंड के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय वीर।